जय श्री राइट। एंड दिस इज फॉर आवर व्यूअर्स, आप लोग क्या समझते हैं इसके बारे में, जो अभी अभी आदरणीय सम्माननीय अभिषेक मिश्रा जी ने कहा कि राहुल गांधी जी जो है वो 6 महीने के भीतर जैसे अभी न्याय यात्रा कर रहे हैं, हवाई यात्रा करेंगे और सीधा इटली चले जाएंगे या कहीं और चले जाएंगे या विदेश चले जाएंगे और भारत में नहीं रहेंगे। यही बात हो रही थी जब राजीव गांधी जी की हत्या हुई और उसके बाद सोनिया जी के बारे में भी यही कहा जा रहा था कि सोनिया जी चली जाएंगी, लेकिन सोनिया जी यहीं रहीं और 2004 में कांग्रेस को वापस लेकर के आई सत्ता में और 10 साल तक कांग्रेस की सत्ता रही। नाउ द गांधीज हैव बीन रिटन ऑफ मेनी टाइम्स बाय मेनी पीपल इंक्लूडिंग द ब्रिटिश। आई होप द बीजेपी इज नॉट मेकिंग द सेम मिस्टेक। आई वुड लाइक टू आस्क आवर व्यूअर्स, व्हाट डू यू थिंक? डू रिमेंबर दिस इज अ 138 ईयर ओल्ड पार्टी द कांग्रेस, इट इज नाउ इन इट्स 139th ईयर। ओनली थिंग इज आई विश, I really and truly wish they had been wiser with regard to the Pran Pratishtha Puja. I don't know why they haven't been so wise. So let's ask our old friend Mr. Bharat Singh. Bharat Singh ji, Congress ke is waqt humare saath hain. Bharat Singh ji, namaskar. Namaskar Rajiv ji, Namjiyaz ji, namaskar. Namaskar. Namaskar sir, how are you sir? Bas ekdam badhiya. Zabardast. Aap logon ka. Zabardast. To sir, ye bata dein कि सोनिया जी राहुल जी खड़गे साहब क्यों नहीं जा रहे अयोध्या में प्राण प्रतिष्ठा पूजा के लिए श्री राम की, 550 साल के बाद रामलला अपने घर वापस लौट करके आ रहे हैं। खैर वो तो वहीं थे, शुरू से ही वहीं थे, लेकिन एक बड़े भव्य मंदिर में वहां पर आ रहे हैं, एक बहुत बड़े मंदिर का निर्माण हुआ है वहां पर, पूरा हिंदू समाज जो है वो गदगद है खुशी से, लेकिन फिर भी सोनिया जी राहुल जी और मल्लिकार्जुन खड़गे साहब वहां पर नहीं होंगे, जरा उसके बारे में बताएं सर। तीन चीज इसके अंदर है जो आपने सवाल किया, उसके तीन आंसर भी है, उत्तर भी है। पहला कि राम जी इतने सालों के बाद, इतने वर्षों के बाद आ रहे हैं, तो मुझे लगता है कि राम जी तो यही थे। अगर किसी को ये शंका है, शुभ है कि भाई राम जी अगर कहीं श्रीलंका में ही इतने सालों तक तो नहीं रुके थे, तो उनके लिए ये है कि भाई राम जी यही थे। कड़कड़ में राम है, हर व्यक्ति के अंदर राम है, जल में थल में नभ में राम है, और राम का दर्शन जब मेरे आत्मा के अंदर ही है तो मैं तो रोज राम के दर्शन करता हूं। लेकिन कुछ लोग हैं देश में जो दिखावा करना चाहते हैं कि राम जो है वो अब आ रहे हैं, राम राज्य जो है अब आ गया है, और उसको लाने का श्रेय जो है हमारे पास है। तो मुझे लगता है इससे बड़ा मूर्ख देश में कोई नहीं हो सकता है राजीव जी, जो ये कहे कि राम को हम ला रहे, राम को हम बता रहे, राम को घर हम दे रहे हैं। अरे राम जी को आप क्या घर देंगे? राम जी ने तो आपको घर दिया है, राम जी के सहारे तो आप जिंदा हैं, राम जी के नाम को ले लेके माला जप जप के आप तक पहुंचे हैं। और हम कहते हैं कि राम जी हमारे मन में, तन में, सब कण कण में राम जी बचे। दूसरा आपने कहा, सवाल ये पूछा कि क्या खड़गे जी और सोनिया जी क्यों नहीं जा रहे हैं? शास्त्रों में, हिंदू शास्त्र में जहां तक मैं समझता हूं, मैं भी एक सनातनी धर्म को मानता हूं, सनातन, एक अधूरे मंदिर को उद्घाटन करने की आखिर इतनी जल्दीबाजी क्या है? क्यों आखिर इस अधूरे मंदिर को इतनी जल्दी उद्घाटन किया जा रहा है? क्या इस मंदिर को पूर्ण होने पर उद्घाटन नहीं करना चाहिए? क्या ये दोष नहीं लगेगा, ये पाप नहीं लगेगा? दूसरी चीज, देश के सबसे प्रमुख चार जो है वो बड़े आचार्यों ने जब इसका विरोध किया, पीठाधीश्वर ने जब चार जो सबसे बड़े हैं और कह रहे हैं कि नहीं ये नैतिक चीज नहीं है, ये गलत हो रहा है, जो पूजा पाठ कराने वाला, जो सबसे बड़ा कहते हैं ना कि राम जी को मानने वाला, अगर वो अगर इसका विरोध कर रहा है तो मुझे लगता है इस पाप का भागीदार कांग्रेस पार्टी नहीं बनना चाहती। राम जी का दर्शन जब भी करना होगा, कांग्रेस पार्टी के हर नेता, हर कार्यकर्ता डंके की चोट पे जाएंगे और दर्शन करके आएंगे। राहुल जी भी जाएंगे, सोनिया भी जाएंगे, नेता भी जाएंगे,
और साथ में खड़गे जी भी जाएंगे और साथ में मैं भी जाऊंगा, लेकिन भाजपा के कहने पे तो नहीं जाएंगे क्योंकि ये एजेंडा है। ये भरत सिंह जी ये बात पहुंच नहीं रही है, भरत सिंह जी ये बात अच्छे तरीके से लोगों के भीतर लोगों के बीच में पहुंच नहीं रही है जो आप बात बोल रहे हैं। हर एक को तो ये लग रहा है कि भारतीय जनता पार्टी और आदरणीय सम्माननीय प्रधानमंत्री मोदी जी रामलला को अपनी गोद में बिठा करके भव्य मंदिर में लेके जा रहे हैं। देखिए देश की जनता को मैं तो फिर कहूंगा चौथा स्तंभ जो होता है मीडिया, हम अधूरे हैं आज, हम आज अधूरे हैं। मैं आपको आपके चैनल के माध्यम से पूरे देश के मीडिया को बताना चाहता हूं कि कांग्रेस पार्टी बिना मीडिया के अधूरी है, चौथे स्तंभ के बगैर अधूरी है। इस देश में ये वो मीडिया है, ये चौथा स्तंभ, ये वो है चौथा स्तंभ है जो अपने कलम से सरकार को हिला देती थी, सरकार गिरा देती थी। अगर कोई सरकार सही काम नहीं कर रही थी वो सरकार भी चली जाती थी। आज क्या हो गया इस देश की मीडिया को, हमेशा जो विपक्ष का साथ कहते हैं ना, कंधे से कंधा मिला के विपक्ष के साथ मीडिया खड़ी रहती थी, आज वो मीडिया जो है वो सत्ता पक्ष और नहीं। एक बात बिल्कुल दुरुस्त है, एक बात जो आपने फरमाई दुरुस्त है, मैं उसको रिपीट करना चाहूंगा, जरा सुधार कर दें अगर मैं कुछ गलत बोल रहा हूं। जो आपने बोला आपको कोट कर रहा हूं अपने दर्शकों के लिए कि हमारे दर्शक इस पर रिएक्ट करें, प्लीज कमेंट करें। जो भरत सिंह जी ने अभी अभी कहा है बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, श्री राम विदेश में नहीं थे साहब, श्री राम यहीं थे, रोम रोम में थे, हमारे कण कण में थे, और अयोध्या से बाहर तो श्री राम हो नहीं सकते। श्री राम को श्रीलंका में तो नहीं बस गए थे, यहीं थे ना, तो उनको वापस लाने का क्या मतलब हुआ जी? आप लोग इसके बारे में क्या समझते हैं, प्लीज डू सेंड इन योर कमेंट्स, आई वुड लव टू रीड देम आउट, आई रियली वांट टू नो व्हाट यू थिंक। जी भरत सिंह जी आप कुछ बोल रहे थे, कंप्लीट कीजिए प्लीज। राजू जी मैं ये कहना चाह रहा हूं कि आपने कहा कि आपकी बातें नहीं पहुंची, मैं आपको चैलेंज करता हूं राजू, जिस दिन देश की चौथा स्तंभ और मीडिया विपक्ष के साथ खड़ी हो गई ना, ये सरकार 2024 तो क्या मुझे लगता है कि 4 महीने में इनको जो है हाय तोबा मचा के गद्दी छोड़नी पड़ जाएगी। इतने इतने मतलब कहते ना करप्शन तो नहीं मैं बोलता हूं, उससे ज्यादा अगर कुछ हुआ है तो इन 10 वर्षों में हुआ, खाली मीडिया सही तरह से विपक्ष के साथ खड़ी हो जाए, मैं कांग्रेस के साथ नहीं कह रहा हूं, विपक्ष के साथ खड़ी हो जाए। चौधरी चरण सिंह जी का एक वाक्य मुझे याद आता है, उन्होंने एक जो है रैली में कहा था कि जिस दिन ये लगेगा कि मीडिया मेरी तारीफ करने लगे उस दिन समझ लेना कि ये मैं चौधरी चरण सिंह तुम्हारा व्यक्ति नहीं रहा, मैं उन किसानों का नेता नहीं रहा, अब जो है मैं उद्योगपतियों का जो है नेता हो गया हूं, उनका दलाल हो गया हूं। तो जिस दिन मीडिया अगर ये छोड़ दे कि जो सरकार में बैठे हैं और उनकी दलाली तो नहीं कहूंगा लेकिन जिस तरह से कर रहे हैं, तो ये कहा जाता है कि गोदी मीडिया जो नाम रख दिया गया है, कम से कम उस नाम का सार्थकता जो है बनाए रखें और कम से कम जो है गरीबों के साथ खड़ा रहे, विपक्ष के साथ खड़ा रहे। मीडिया का तो यही काम होता है, मुझे जहां तक लगता है कि देश में मीडिया का ये काम होता है कि विपक्ष के साथ खड़े होकर सत्ता पक्ष अगर गलत करती है तो उसके चीजों को बताए कि देखिए ये गलत हो रहा है, इस देश में ये सही नहीं है। अगर देश के प्रधानमंत्री कहीं जाके जो है घूम के फोटो खिंचवाते हैं, उनको वहां पे समय है जाने का, तो क्या देश के प्रधानमंत्री को मणिपुर जाने का समय नहीं है क्या? ये मीडिया को पूछना चाहिए कि देश में पेट्रोल 100 रुपया हो गया, देश का जो है आज जो है 104 पक्ष क्या कर रहा है? अरे 104 हो गया सर, 4 रुपए मत भूलिए, 104 रुपया हो गया है। तो देश का सत्ताधारी पक्ष कहाँ है जब वो कहता था कि 50 रुपए में पेट्रोल देंगे, 30 रुपए में जो है डीजल देंगे? मैं पूछना चाहता हूँ, 45 रुपए का डॉलर होगा, 45 रुपए बहुत सारे, मैंने कहा ना कि आपको कि बहुत सारे अभी अभी प्राइम मिनिस्टर मोदी हाल ही में केरल में भरत सिंह जी यही कहा कि केरल में जब गए थे तो उन्होंने कहा कि वही गवंडिया गठबंधन सनातन धर्म के खिलाफ है, ये पूरे इंडिया अलायंस के जितने भी घटक दल है सब सनातन धर्म को आलोचना करते, क्रिटिसिज्म करते, सेंटिमेंट्स को हर्ट करते हैं। सैम पिट्रोडा, प्रियांक खरगे, ए राजा, जूनियर स्टालिन, सीताराम येचुरी मौर्य, समाजवादी पार्टी के फतेह बहादुर, लालू प्रसाद यादव पार्टी, तो उनका एक ही काम, मोदी साहब का कहना एक ही काम है कि सनातन धर्म पे आलोचना करना, क्रिटिसिज्म करना, सेंटिमेंट्स को हर्ट करना। आप कैसे उसको जस्टिफाई करेंगे भरत सिंह जी? सनातन धर्म का कौन
मान सम्मान कर रहा है और कौन बदनाम कर रहा है, ये पूरा दुनिया देख रही है। हमारे देश की मीडिया तो गांधी जी के तीन बंदरों का तो आपको पता होगा, एक ने आंख बंद करके रखा था, एक ने जुबान बंद करके रखा था। तो मुझे लगता है आज वही मीडिया कर रही है। अगर देश के प्रधानमंत्री ये कहते हैं तो शाहनवाज हुसैन जी का जब वो पार्लियामेंट में सदस्य थे तो उनका जो वीडियो देख लीजिए, और उस पर जब वो कहते हैं कि देश में राम जी को स्थापित करने जो करना था उसके बाद में बहुत उस पर जो बताया गया है, तो वो खुद कहते हैं कि नेहरू जी ने किया था। ये खुद कह रहे हैं, शाहनवाज हुसैन जी कह रहे हैं, आरोप लगा रहे हैं। तो आखिर ये भाजपा तय कर ले कि आखिर जो है राम जी का जो है ताला खुलवाने वाला कौन था, उसके बाद नेहरू जी ने क्या किया था, ये सारा चीज है मेरे पास। तो जब तो ये तो मैं आपको भेज दूंगा, दिखा दूंगा। लेकिन जिस तरह से भाजपा जो है वो कहते हैं ना कि राम के नाम, कहते हैं कि राम के नाम को जिस तरह से यूज कर रही है, पॉलिटिकल यूज कर रही है, एक इवेंट बना रही है, तो हम उस इवेंट का जो है हिस्सा नहीं बनना चाहते हैं। सचमुच हम राम से प्यार करते हैं हमारे जो है। लेकिन भरत सिंह जी, भरत सिंह जी, छोटी सी बात, आज भी लाइक फॉर एग्जाम्पल हम लोग जो है अभी जबरन, ना चाहते हुए भी और चाहते हुए भी, दोनों में से एक चीज है, श्री राम मंदिर के ऊपर बात कर रहे हैं, आप भी उस पर बात कर रहे हैं, प्रदीप नाम्बियार जी भी उस पर बात कर रहे हैं, सारी दुनिया उस पर बात कर रही है कि सोनिया जी ने, मल्लिकार्जुन खड़गे जी ने, राहुल गांधी जी ने, फिलहाल राहुल गांधी जी की कोई स्टेटमेंट नहीं आई है इस पर, लेकिन ये ऑफिशियल स्टेटमेंट आई भाई कांग्रेस का नेता उधर जाएगा नहीं। तो कहने का मतलब ये हुआ कि बेरोजगारी, बढ़ती हुई कीमतें, पेट्रोल के दाम, डीजल के दाम, उसके अलावा असुरक्षा, उसके अलावा बेरोजगारी, उसके अलावा इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन जो नीचे आ गई है, इन सब चीजों के ऊपर आजकल तो बातचीत हो ही नहीं रही है। भरत सिंह जी, ये कौन करेगा? आप भाई ये कौन करेंगे ना सर? सर आप करेंगे। यू विल हैव टू चेंज द नैरेटिव बिकॉज द बीजेपीज नैरेटिव इज वेरी क्लियर। भारतीय जनता पार्टी की जो एक कहानी है, जो एक नैरेटिव होता है ना, वो उनका स्क्रीन प्ले बहुत अच्छा लिखा हुआ है। तो आज की तारीख में कोई और किसी विषय में बात नहीं कर रहा है, ये तो कांग्रेस का काम है सर। आप विपक्ष के सबसे बड़े दल हैं, भारत के सबसे बड़े दल हैं सर, बोलिए। राजीव जी, मैं इस पे स्पष्टीकरण दे रहा हूँ, आपको अच्छा लगे तो जरा सुनिएगा। मैं फिर कह रहा हूँ राजीव जी, हम आपके बगैर अधूरे। इसी में सारा चीज आ, देखिए आज उनके साथ कौन कौन था, आज पूरा We can't hear you, sir. I can't hear Mr. Bharat Singh. Yes, we can hear him now. जी बोलिए। हाँ, अभी आ रही है आवाज आपकी। मेरी आवाज आ रही है? अभी आ रही है। आज देश, आज उनके साथ पूरा मीडिया खड़ा है, पूरा मीडिया। आज उनके साथ देश की सारी एजेंसियां खड़ी हैं। वो ये दिखाने के लिए कि जैसे ही राजीव जी आपके यहाँ पर जाके गिरफ्तारी होगी आपकी, और सारी मीडिया चलाएगी कि ये करप्ट है। अब मीडिया ही तय कर दे रही है कि करेक्शन इन्होंने किया है। ट्रायल चलने के बाद वो जो है व्यक्ति दोष मुक्त रहित जब बाहर आता है तो ये मीडिया नहीं दिखाती ये गलत किया था, लेकिन ये जरूर दिखाती है कि ईडी ने छापेमारी की, राजीव जी जो है इस पर गिरफ्तार कर लिए गए हैं, उनके ऊपर समन का आरोप है, राजीव जी की पूरी चैनल जो है इसमें इन्वॉल्व है, इनके मालिक इन्वॉल्व है, ये क्या हो रहा है, देखो ये देश में इस तरह से हो रहा है। आप अगेन, आई थिंक यू आर गेटिंग अ कॉल, मुझे ऐसा लग रहा है सर आपको शायद कोई कॉल आ रही है। भरत सिंह जी, हाँ जी बोलिए। मेरी आवाज आ रही है? आ रही है, आ रही है। मैं ये कह रहा हूँ राजीव भाई कि हम आपके बगैर अधूरे हैं। अगर आप हमारा साथ, मैं आपको चैलेंज के साथ कहता हूँ, चुनाव अभी 8 महीना है, मीडिया हमको 2 महीना दे, हमको ईमानदारी से विपक्ष को 2 महीना मीडिया दे दे। राहुल जी की पद यात्रा शुरू हो रही है 14 तारीख को जी, 14 तारीख से पूरे देश मीडिया दिखाना चालू कर दे। हम बेरोजगारी, महंगाई, रोजगार, महिलाओं पे अत्याचार, ये सारे चीज को लेके हम चल रहे हैं। अगर ईमानदारी से मीडिया 2 महीना अगर उसको पूरी दिखा देना, कैंपेन को अगर पूरी पद यात्रा को, मैं कहता हूं कि विदाई जो है वो बहुत अच्छी तरह तय होगी। विदाई तय होगी कि पता नहीं आपको 60-70 सीट मिलेगी कि नहीं, भाजपा को ये तय हो जाएगा इस देश। लेकिन भारतीय जनता पार्टी तो कह रही है, भारतीय जनता पार्टी तो कह रही है भरत सिंह जी, कि कांग्रेस को शायद 20 सीट भी ना मिले 2024 के चुनाव में।
कल मैं कार्यक्रम में गया था राजीव जी, बताएं। कल मैं एक बांद्रा में कार्यक्रम में, पत्रकारों का एक कार्यक्रम था, उस कार्यक्रम में जाने के बाद मुझे ऐसा लगा कि भाजपा ये हमेशा कह रही है पिछले 10 सालों से कि कांग्रेस मुक्त भारत हम करेंगे, कांग्रेस मुक्त भारत करेंगे। कल मैंने मंच को जब देखा तो मंच पे मुझे ऐसा लगा, मैंने फोटो भी बनाया, मैंने कहा कि फोटो भेज दीजिए भाई, कांग्रेस मुक्त भारत करते करते जो है कांग्रेस युक्त भाजपा कर ली। मंच पे मुझे जितने लोग दिखे उसमें से 70-80% ऐसे लोग थे जो कांग्रेस पार्टी छोड़ के उस मंच पे बैठे। तो ये भाजपा किस मुंह से कहती है कि हम जो है वो 20 सीट जो है कांग्रेस पार्टी आएगी, इनके नेता तो इतने घमंडिया हो गए कि वो कहते हैं कि हम तो कांग्रेस मुक्त भारत कर देंगे। हमने कभी नहीं कहा कि हम भाजपा मुक्त जो है भारत करें। हम कह रहे हैं कि भाजपा को एक और चीज बहुत जरूरी है। आई अंडरस्टैंड सर टोटली व्हाट यू आर सेइंग, और अपने दर्शकों के लिए मैं एक बार फिर ये सवाल सामने रखना चाहता हूँ। प्रदीप जी, जरा सुनने वाली बात है जो भरत सिंह जी ने कहा कि मंच पर 70% ऐसे नेता थे जो कांग्रेस छोड़कर के बीजेपी में आए हैं किसी ना किसी डर की वजह से या किसी ना किसी प्रलोभन या लालच की वजह से, जो भी हो साहब, इट्स अ फ्री कंट्री, उनकी मर्जी, जहां मर्जी जाओ, सी सादी बात है। तो भारतीय जनता पार्टी तो कांग्रेस के रंग में रंग गई। आज की तारीख में बीजेपी के जितने भी नेता हैं आप देखें, वो तो एक जमाने में कांग्रेस में थे, सी सादी बात है, देयर इज नो डाउट अबाउट इट। लेकिन एक शख्स हैं, अभी अभी जो आपके पहले जो बोल रहे थे अभिषेक मिश्रा जी जो हैं, वो बार बार यही बोलते हैं कि जो न्याय यात्रा है राहुल गांधी की, बहुत जल्दी राहुल गांधी को न्याय मिलेगा, कांग्रेस की 20 सीटें आएंगी और उसके बाद 6 महीने के भीतर, अभी तो पदयात्रा चल रही है, अभी हवाई यात्रा होगी और उस हवाई यात्रा से राहुल गांधी जी इटली चले जाएंगे और वापस भारत नहीं आएंगे। भरत सिंह जी, उन्होंने सही कहा, उन्होंने एक्चुअली क्या हो नाम गलत ले लिए, उन्होंने राहुल गांधी जो कहा ना वो गलती से राहुल गांधी निकल गया होगा, वो देश के प्रधानमंत्री के लिए कह रहे हैं। हवाई यात्रा इस समय 10 साल में, पिछले 10 सालों में हवाई यात्रा सबसे ज्यादा जो है जमीन पे न रह के आसमान में रहता है, वो कौन रहता है, ये पूरा दुनिया, पूरा मीडिया और पूरा देश देख रहा है कि सबसे ज्यादा दौरे पे दौरा कौन कर रहा है, देश में कितना रहते हैं और विदेश में कितना रहते हैं, पूरा दुनिया देख रहा है। मिश्रा जी को तो पता नहीं होगा, मिश्रा जी अभी नए तो भरत सिंह जी 303 आप कह रहे हो, 303 वाले भाग जाएंगे देश छोड़ के, 303 वाले भाग जाएंगे, 52 वाले और पार। तो मैं ये कह रहा था कि महिला सशक्तिकरण जो प्राइम मिनिस्टर मोदी जी कह रहे थे कि नारी शक्ति वंदन अधिनियम के माध्यम से हमने जो महिला को सशक्त करने का कोशिश किया और किए अलग अलग कार्यक्रम में, उज्ज्वला पाइप कनेक्शन, शौचालय, अलग जिसमें करोड़ 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 के हिसाब से लोगों को घर घर तक पानी पहुंचाना, 14 करोड़, तो बहुत किए। मगर राहुल गांधी जी जो आलोचना कर रहे हैं कि ये बेटी बचाओ नहीं ये दोषी बचाओ पार्टी है, दोषी बचाओ, तो इसमें थोड़ा आप जब रोशनी डालेंगे, राहुल गांधी जी ने इसकी बेटी बचाओ को दोषी बचाओ पार्टी क्यों कहा? जी देखिए, ऐसा है कि पहले तो मैं आपको बता दूं कि राहुल जी ने इसलिए कहा क्योंकि जिस तरह से महिला पहलवानों का क्या हुआ आपने हर फिल्म देखा, इस देश में महिला पहलवान जो देश का नाम रोशन करती हैं, वो बेटियां देश का नाम रोशन करती हैं, मेडल लेके आती हैं, देश के प्रधानमंत्री उनके साथ सेल्फी लेते हैं, देश के प्रधानमंत्री उनके साथ खाना खाते हैं और कहते हैं कि ये तो मेरी बेटियां हैं, और किसी बेटी के साथ इस तरह से बदसलूकी और भाजपा का नेता करे और उसके ऊपर उसका देश के प्रधानमंत्री का कोई कंट्रोल न रहे और देश के प्रधानमंत्री बेबस हो जाए, तो कहीं ना कहीं ये दिखाता है कि भाजपा जो है वो नतमस्तक है अपने उन नेताओं के पास जो नेता महिलाओं का सरे आम जो है वो बेइज्जती करते हैं, एक तरह से कहा जाए उससे बढ़ के भी अगर कुछ कहा जाए तो वो भी ठीक रहेगा उन नेताओं के लिए, मगर देश के प्रधानमंत्री खामोश रहते हैं, चुप रहते हैं। इसीलिए कहता हूं कि देश के प्रधानमंत्री भाजपा के नेताओं से तो कोई आस नहीं रख सकते आप, लेकिन उस देश के प्रधानमंत्री से तो आस रख सकते हैं जो भाजपा के हैं, लेकिन क्या करें, बहुत मजबूरी है। और दूसरा, आपने जब ये कहा कि देश के प्रधानमंत्री कहते हैं कि
शायद कि चले जाएंगे। अरे देश के प्रधानमंत्री खुद ही कह दिए, कह चुके हैं अपने बारे में, मेरा क्या, मैं तो फकीर हूँ, झोला उठाऊंगा चला जाऊंगा। जो पूरी देश दुनिया ने और मीडिया ने ये देखा है और ये सुना है, उन्होंने सच कहा है, और आज नहीं कल तो ये सच होगा, आप इसको मान लीजिएगा। नामबियार जी, देश के प्रधानमंत्री कभी झूठ नहीं बोलते, वो सच कहते हैं, उनको ये अनुभव है, उनको ये पता है, उनको ये फीलिंग है अंदर से कि मेरा क्या है, मैं तो झोला उठाऊंगा। कि देश की जनता जिस दिन रोड पे आ गई, अभी संसद में सिर्फ दो जन घुसे थे, जिस दिन 40 करोड़ जनता जब संसद को घेरेगी, महंगाई पे, बेरोजगारी पे, भ्रष्टाचार पे, भरत सिंह जी मैं ये दिखा रहा हूँ, जो बिल्किस बानू केस में, बिल्किस बानू केस में सुप्रीम कोर्ट और कोर्ट्स ने डिसाइड की, दिखा दिया पूरे देश को कि हम इंडिपेंडेंट है, हम इंडिपेंडेंट है, हम किसी के दबाव में नहीं काम करते। और राहुल गांधी जी का बार बार आरोप, लोकतंत्र खतरे में है, जुडिशियरी को इंटिमिडेट किया जा रहा है, जो गवर्नमेंट इंस्टीट्यूशन है उसको टेक ओवर किया जा रहा है बीजेपी के माध्यम से, तो क्या बिल्किस बानू का केस एक जबरदस्त तरीके से इस चीज को नकारता नहीं है कि शायद राहुल गांधी जी ठीक नहीं कर रहे, जुडिशरी इंटिमिडेट हो रहा है, लोकतंत्र खतरे में है? बोलिए बोलिए बोलिए। ये तीन चीज दिखा रहा हूं मैं, राहुल जी का जो पदयात्रा शुरू हो रहा है, एक देखिए इकोनॉमिक जस्टिस एक दिखेगा आपको बिल्कुल, दूसरा आपको ये दिखा इकोनॉमिक, उसके बाद में आप देखिए सोशल, सोशल जस्टिस, पॉलिटिकल जस्टिस, दैट्स राइट जी, पॉलिटिकल जस्टिस, ये तीनों जो है, इन तीनों मुद्दों पे हम जो है अपनी पद यात्रा करने जा रहे हैं, और ये तीनों मुद्दे देश में इस समय बहुत ही देश के लिए घातक है। और देखिए भाजपा बिल्किस बानू, मतलब ये तो हद हो गई थी ना, बलात्कारियों को जिस तरह से भाजपा के नेता, वहां के मुख्यमंत्री, देश के प्रधानमंत्री ने न्याय दिया, किसको न्याय दिया, बलात्कारियों को न्याय दिया, और क्या हार पहनाए जा रहे थे, क्या मिठाइयां बांटी जा रही थी, क्या खुशी था भाई, वो मंजर तो देखने लायक था कि देश की बेटियों के साथ आप इसी तरह से दुर्व्यवहार करिए, बलात्कार करिए, हम आपको जो है उसका प्रमोशन देंगे, हम जो है आपके साथ खड़े हैं। आज भाजपा बलात्कारियों के साथ खड़ी है, आज भाजपा महिलाओं को बेइज्जत करने वालों के साथ खड़ी है, इसीलिए मैं कह रहा हूं कि राहुल जी न्याय यात्रा के लिए इसलिए निकल रहे हैं कि वो न्याय जो है बहनों को दिलाना है, माताओं को दिलाना है, वो न्याय जो है किसानों को दिलाना है, वो न्याय जो है नौजवानों को दिलाना है, वो न्याय जो है देश के जवानों को दिलाना है। अग्निवीर योजना से 4 साल में देश के नौजवानों का पेट नहीं भरेगा, परिवार नहीं चलेगा, घर नहीं चलेगा, और देश की रक्षा के लिए वो अपने छाती पे गोली खाते हैं। राहुल जी ने तो कहा था कि मेरा पेंशन भी बंद कर दो, मुझे मत दो, लेकिन जो है वो जवानों का पेंशन चालू होना रहना चाहिए, यहाँ तक उन्होंने कहा था। क्यों नहीं प्रधानमंत्री सारे पार्लियामेंट में आके कह दे कि मैं किसी को जो है पेमेंट भी नहीं देंगे, किसी भी मंत्री संतरी को, और किसी को जो है रिटायरमेंट के बाद में जब वो पार्लियामेंट नहीं रहता है या मंत्री नहीं रहता है तो जो उसको भत्ता होता है सब बंद कर देंगे, लेकिन नहीं, वो जो है वो लेके, लेकिन देश का जो जवान हो बॉर्डर पे खड़े होकर छातियों पे गोली खाता है उसके लिए नहीं, उसके लिए 4 साल तो नौकरी करो, 4 साल के बाद घर पे। भरत सिंह जी माफी माफी, भरत सिंह जी आज की तारीख में हमारे जितने आर्मी के जवान हैं, हमारे जितने आर्मी के ऑफिसर्स हैं, स्पेशली जो रिटायर्ड है, वो तो बहुत खुश है मोदी जी से। ओआरओपी चलिए पूरी तरह नहीं दिया गया, लेकिन हर एक की पेंशन जो है वो तकरीबन 150% से इंक्रीज की गई है, जो कांग्रेस ने बिल्कुल नहीं किया 10 साल में। वो बोलते रहे चिल्लाते रहे, बेचारे मेजर जनरल सतबीर सिंह और बाकी आर्मी ऑफिसर्स जो थे वो बेचारे जंतर मंतर पर बैठे रहे, किसी ने उनकी नहीं सुनी। बीजेपी गवर्नमेंट ने आते ही 6 महीने 7 महीने के अंदर अंदर पेंशन को जबरदस्त तरीके से इंक्रीज कर दिया और सैलरीज भी इंक्रीज कर दी। भरत सिंह जी आप एक चीज देख रहे हैं, हम नौजवानों के जो रिटायरमेंट, जो पीएस वाला जो हिमाचल में है, जो हमारी सरकार बनी, वो पीएस कितना बड़ा उस पर फैक्टर था, आपने देखा होगा, वो लाने वाला को लाया किसने, कांग्रेस पार्टी ने दिया ना उसको। आप एक चीज देखिए, बहुत सारे ऐसे फैसले थे 2014 में जो हम इसको लाना चाह रहे थे, लेकिन हमारी सरकार थी, बहुत ऐसे रोड थे, बहुत ऐसे उद्घाटन तो समझिए खाली वो फीता काटना था, लेकिन देश के प्रधानमंत्री भाई ठीक है सरकार बदल के, अब वो कह रहे हैं कि सब हमने किया है, देश 2014 के बाद आजाद भी हुआ, देश में 2014 के बाद ही सब तो काम हुआ है, इसके पहले तो देश में तो कुछ बनता ही नहीं था ना, ये जो सुई से लेके मिसाइल तक बन रहा है ये देश के प्रधानमंत्री जी ने ही करवाया।
जी तो लेकिन एक चीज तो है, लेकिन एक चीज तो है भरत सिंह जी, जहां तक के आर्मी का सवाल है यानी आर्म फोर्सेस का सवाल है, एक इंप्रेशन तो है कि कांग्रेस ने हमेशा, जब भी कांग्रेस की सरकारें रही हैं, उन्होंने हमेशा हमारी आर्म फोर्सेस के साथ अन्याय किया है। अगर आप चाहें तो मैं आपको एक एक उदाहरण दे देता हूं। 1971 में इंदिरा जी के नेतृत्व में भारत की फौजों ने पाकिस्तान का विभाजन किया, 1971 में। 1972-73 में फिफ्थ पे कमीशन बैठा, पांचवी पे कमीशन, और पांचवी पे कमीशन ने इनाम दिया हमारी इंडियन आर्म्ड फोर्सेस को, ओआरओपी वापस ले लिया, वन रैंक वन पेंशन वापस ले लिया, और जितने भी आईएएस ऑफिसर्स थे उनका दर्जा जो है आर्मी ऑफिसर से 2 गुना ज्यादा कर दिया, ऊपर कर दिया, और आर्मी ऑफिसर्स की जो सैलरी थी और पेंशन जो थी, किसी को 1200 रुपए मिल रहे, किसी को 1000 रुपए मिल रहे, हालत खराब हो गई थी सर, लोग भूले नहीं है, आप चाहें इसको चेक कर सकते हैं। आई ऑलवेज स्पीक विद फैक्ट सर। भरत सिंह जी, कुछ गलतियां हो सकती हैं, कुछ गलतियां हो सकती हैं, थी हुई थी जी, कुछ गलतियां कांग्रेस से हुई है, ऐसा नहीं है, और उसको मानना भी चाहिए। अगर गलती हमने किया तो उसका जो है हमें दुख भी है। हमने सार्वजनिक तौर पर कहा था, ये हमने कहा कि भाई जो 1984 में दंगे हुए उसके बाद हमने माफी मांगी, सार्वजनिक तौर पर हमने कहा गलती हुई, लेकिन गलती तो भाई भगवान से हो जाती है, हमको इंसान ही है, कांग्रेस पार्टी भी जो है वो सब इंसान ही मिलकर चलाते हैं। भरत सिंह जी, मगर क्या कांग्रेस में आत्मविश्वास कम हो रहा है? आत्मविश्वास 2024 में लड़ने का, शायद कार्ति चिदंबरम जिस प्रकार से इंटरव्यू में कहा कि मोदी जी के लड़ने के लिए कोई हमारे पार्टी से इतने केपेबल नहीं है, उनसे पूछा राहुल गांधी, बोलते नहीं राहुल गांधी केपेबल नहीं है, उनको पूछा खड़गे साहब, तो बोले खड़गे साहब भी केपेबल नहीं है। आज के तारीख में कांग्रेस में कोई ऐसा नेता नहीं है जो मोदी जी से टक्कर लेंगे, ये कार्ति चिदंबरम। फिर आखिरकार आपने इशू किया नोटिस उनको कि आपने ऐसे इंटरव्यू कैसे दिए, क्या मनोबल में थोड़ा कमी है, क्या आत्मविश्वास में कमी है? आत्मविश्वास में कोई कमी नहीं है नामदेव जी, हमारे आत्मविश्वास में कोई कमी नहीं है। मुझे लगता है कार्तिक चिदंबरम भी कहना कुछ और चाह रहे थे, क्या कुछ और वो कहना चाह ये रहे थे कि जिस तरह से देश के प्रधानमंत्री झूठ बोलते हैं, जिस तरह से प्रोपोगंडा वो फैलाते हैं, जिस तरह से इवेंट करते हैं, शायद उस तरह से राहुल गांधी जी कभी नहीं कर पाए, शायद तो हो सकता है राहुल जी इस तरह से न कर पाए, शायद उनका कहने का जो कहते हैं ना एक सार था, वो सार ये था कि जिस तरह से उन्होंने बाद में कहा कि जिस तरह से नरेंद्र मोदी जी झूठ बोलना, प्रोपेगंडा करना, इवेंट करना, ये सब राहुल जी नहीं कर सकते। और मुझे लगता है कि राहुल जी कभी झूठ बोलते नहीं है, और उनके मन में जो है वो जुबा पे रहता है, दिल साफ है एकदम, ऐसा नहीं है कि जो है कुछ जुबा कुछ और रहे और दिल में कुछ और रहे, कुछ और बोले और कुछ और करें, ऐसा नहीं। स्टे फॉरवर्ड बात करते हैं, स्टे फॉरवर्ड चाहते हैं, देश की जनता खुश रहे, वो चाहते हैं नौजवानों को, जवानों को जो है इंसाफ मिले, वो चाहते हैं कि महिलाओं को जो है न्याय मिले, और यही वजह है कि राहुल जी की सच्चाई मुझे लगता है कि आज के लोकतंत्र में जो झूठ का तंत्र बन गया है उसमें थोड़ा सा। एक और चीज चलते चलते, पता नहीं आपको अच्छी लगे या ना लगे, लेकिन क्योंकि ये आरोप लगाया गया है, मेरा आपसे पूछना मेरा कर्तव्य बन जाता है। भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता ये भी कहते हैं कि वास्तविकता में खड़गे जी, सोनिया जी और राहुल गांधी जी और कांग्रेस के अन्य मंत्री संतरी अन्य जितने भी नेता हैं वो अयोध्या इसलिए नहीं जा रहे हैं क्योंकि श्री राम जी के साथ में हनुमान जी खड़े हैं, और हनुमान चालीसा की वो लाइन है ना, भूत पिशाच निकट नहीं आवे, महावीर जब नाम सुनावे, तो इसलिए शायद ये लोग वहां नहीं जा रहे हैं। भरत सिंह जी, राम दुआरे तुम रखवारे, होत ना आज्ञा बिन पैसारे। सर राजीव जी जी, मुझे लगता है कि ये उन चार मठाधीशों का, उन चार बड़े पंडितों का ये अपमान है। आप शंकराचार्य की बात कर रहे हैं, पुरी के शंकराचार्य नहीं आ रहे हैं, उत्तराखंड के भी शंकराचार्य नहीं आ रहे हैं, दुरुस्त बात है जी। उन्होंने कहा कि अधूरा मंदिर है, अधूरा मंदिर है, जरा देख लीजिए इसको करना चाहिए कि नहीं, बहुत पोलाइटली बोला वो चारों शंकराचार्यों का, उन चारों सर दो आ रहे हैं, सर दो लोगों ने बोला, उन्होंने कहा कि हम लोग नहीं आ रहे हैं,
लेकिन दो लोगों ने सपोर्ट किया है लेकिन वो आ नहीं रहे हैं जी, आपकी बात दुरुस्त। अच्छा तो ठीक है, नहीं तो ठीक है, हम भी हम ये कह रहे हैं, अच्छा वो कह रहे हैं नहीं आ रहे, हम भी तो ये कह रहे हैं हम नहीं आ रहे हैं, तो हमारे ऊपर आरोप लग रहे हैं। हम ये कह रहे हैं कि चारों शंकराचार्यों में अगर दो लोग नहीं आ रहे हैं तो ये विरोध नहीं, दो लोग नहीं, चारों नहीं आ रहे, कोई आ नहीं रहा है, चारों में से चारों नहीं आ रहे हैं सर। मैं ये बोल रहा हूँ, मैं सुनिए ना, मैं ये कह रहा हूँ कि दो जन ने विरोध किया है और दो लोग बोले कि हम नहीं जा रहे, मतलब चारों लोग नहीं आ रहे हैं जी। तो मैं ये कहता हूँ कि हमारे मैं गुरुवर को पूजनीय है, उनको पूजता हूँ, क्योंकि उन्होंने ही मार्गदर्शन दिया है कि राम भगवान कैसे मिलेंगे, कैसे दिखेंगे, कहाँ स्थापित होंगे, वो हमारे लिए आराध्य है वो चारों शंकराचार्य। अगर चारों शंकराचार्य नहीं जा रहे हैं तो कांग्रेस पार्टी कैसे जाए, ये बताइए। आखिर पूजा पाठ करवाने वाले, पूजा पाठ करवाने वाले ही तो शंकराचार्य जी है ना, वही तो पूजा पाठ करवाएंगे ना। दुरुस्त बात। जब वो पूजा पाठ करवाने वाला व्यक्ति ही नहीं जा रहा है, जब उसका ही मान सम्मान नहीं किया जा रहा है, उनकी बातों को नहीं माना जा रहा है, तो आखिर कांग्रेस पार्टी कैसे जाए भाई। ये बोलना चाहिए ना सर, तो सर ये बोलना चाहिए ना, ये तो पहली बार आपने यहाँ पे बोला है, हर जगह पे बोलिए ना सर, आपके बाकी वक्ता तो उलझ जाते हैं किसी और चीज में। मैं हर चैनल पे जहाँ भी बैठ रहा हूँ, मैं यही कह रहा हूँ कि भाई जब तक हमारे चारों शंकराचार्य खुश नहीं होंगे, चारों शंकराचार्य जाएंगे नहीं, पूरी मंदिर जिस दिन बन जाएगी, शंकराचार्य भी जाएंगे, कांग्रेस पार्टी भी जाएगी, भरत सिंह भी जाएंगे, और राहुल जी भी जाएंगे, सोनिया भी जाएंगे, खड़गे भी जाएंगे, क्यों नहीं जाएंगे भाई। दुरुस्त बात है। कहते हैं आपकी सोनिया जी इटली से आए, अरे वो इटली से आके रस बस गई इस धरती में, इस भारत वर्ष में, इस परिवार में, और क्या चाहिए बताइए। और आप उसके ऊपर लांछन लगाते हैं, आरोप लगाते हैं, आप तो यही रह के सब कुछ छोड़ दिए, किसी को नहीं अपनाए जी, ये भी बात दुरुस्त है। ये ठीक नहीं है ना जी। हम तो जानते हैं कि मर्यादा पुरुषोत्तम राम, मर्यादा पुरुषोत्तम मतलब क्या होता है, आप समझते हैं कि जो मर्यादा में रह के जो सब कुछ परिवार देखता है, घर देखता है, वो होता है मर्यादा पुरुषोत्तम राम। वो जो है वो जाता है, वो जो अगर उसके ऐसा व्यक्ति चाहिए, वो आदि शंकराचार्य ये लोग जब उद्घाटन करेंगे, कौन उद्घाटन कर रहा है, कौन प्रोपोगंडा कर रहा है, कौन जो है सब इवेंट करवा रहा है, भाजपा करवा रही है, हम भाजपा के इवेंट में नहीं जाने वाले। सर सबसे बड़ी बात यह है प्रदीप जी, एक सेकंड, एक बहुत बहुत प्यारी लाइन है जो मैं हमेशा बोलता हूँ, जिसके लिए मुझे ना जाने भारतीय जनता पार्टी के लोग बुरा भला कहते हैं इसके बावजूद कि हम लोगों ने क्या कुछ नहीं किया है, लेकिन फिर भी सर सोनिया गांधी जी का जन्म हुआ था 9 दिसंबर 1946 को, 1946 शी गॉट मैरिड सर, उनकी शादी हुई है 1968 में जी, 22 साल की थी जब उनकी शादी हुई, अभी वो 77 साल की हैं, शी 77 इयर्स ओल्ड, 55 साल से वो भारत में हैं और अभी भी उनको इटालियन बोलते हैं, ये मेरी समझ के बाहर है। क्या मतलब हुआ सर ये, भरत सिंह जी? मैं फिर कह रहा हूँ कि जो औरत एक दूसरे देश को छोड़ के, पूरे परिवार को छोड़ के, उसने इस देश को अपना परिवार, अपना घर, उस परिवार, उस गांधी परिवार को, राजीव जी को, तो जो है इंदिरा जी को, सबको अपना मान ली और इस देश को अपना मान ली, कि वही सोनिया जी है ना, जिनको ये चाहती तो वो प्रधानमंत्री खुद भी बन सकती है, राहुल जी को बना सकती, मगर उन्होंने मनमोहन सिंह को कहा कि नहीं, मनमोहन सिंह जी प्रधानमंत्री, क्या ये त्याग दे सकते हैं देश के प्रधानमंत्री आज बोल सकते हैं कि मैं कुर्सी छोड़ देता हूँ, आइए आडवाणी जी आप बैठिए। अरे आडवाणी जी का आपने, आडवाणी जी तो लाइन में थे, पहला नंबर तो आडवाणी जी का था, उनको तो ऐसा धक्का मारा आपने कि मार्गदर्शक मंडली बना के, मतलब यही स्थिति आ गई थी कि आप राम मंदिर जो ये उद्घाटन में उनको नहीं बुलाया जा रहा था, अब जाके कैसे करके तो बुलाया जा रहा है। और भरत सिंह जी, महाराष्ट्र के जो जजमेंट है स्पीकर के, उस पे आपका क्या राय है? बिकॉज बीजेपी का कहना है कि जस्टिस हैज बीन डिलीवर्ड, बोले न्याय पूर्वक हमने ऑर्डर पास किया, टोटल हर चीज न्याय को केंद्र रखते हुए, और आगे जाके जो उद्धव ठाकरे बोल रहे थे कि बाप को चोरी किया, पार्टी को चोरी किया, घटना बाहर सरकारा है, बोले ये ऑर्डर के बाद सब क्लियर हो गया, कोई गुंजाइश, कोई किसी के मन में शंका नहीं होना चाहिए, बहुत फेयर और जस्ट ऑर्डर है।
शंका तो किसी के नांदिया जी, शंका तो किसी के मन में ही नहीं था, ये तो सबको पता था कि रिजल्ट क्या आने वाला है, लेकिन शंका उनके इस आदेश से हो गया कि भाई इसमें जो है वो गलत कौन। अगर देखिए सुप्रीम कोर्ट के पूरे जजमेंट को अगर आप देखें और पढ़े, कायदे से पढ़े, तो उसमें ये बताया गया है कि इसमें एक पार्टी तो गलत है। अब वो शिवसेना कौन सी गलत है ये तो सुप्रीम कोर्ट ने बता दिया कि शिंदे की शिवसेना गलत है, लेकिन वो कहे कि भाई ये जो है विधानसभा स्पीकर जो है इसका फैसला देंगे। आखिर वो कहते हैं कि अगर शिंदे गुट सही है, अपात्र नहीं है, तो फिर अपात्र ठाकरे गुट होता है। अगर उसको भी कहते कि नहीं ये भी सही है, तो फिर इतना दिन समय क्यों बर्बाद किया आपने? भाई आपने पिछले 6-7 महीनों से समय क्यों बर्बाद किया? आप खेल रहे थे क्या? मतलब वो जो लूडो खेल रहे थे बचपन में, आपने लूडो खेला था कि तुम भी चलो दो चाल, मैं भी चलूं दो चाल, तुम भी चलो दो चाल, मैं चलूं, यही कर रहे थे ना? तो ये एक सोची साहब किसके ऊपर विश्वास करें भाई, जो 10 पार्टी बदल करके आया हुआ उसके ऊपर हम कहें? उसको तो ज्यादा नॉलेज है ना किस तरह से बचाया जाए, किस तरह से किया जाए, और जो दिल्ली कहेगी वही तो करेंगे। उनको कह दिया गया था ये जजमेंट दे दो, उसके बाद में फिर वापस सुप्रीम कोर्ट तो फिर आना ही है। अगर ये अपात्र कर भी देते तो भी एक पार्टी सुप्रीम कोर्ट जाती, और अब जो है इस तरह से जजमेंट आया है। तो मेरा ये मानना है कि ये बहुत बड़ा प्रश्न चिन्ह है अध्यक्ष के लिए कि आपने अगर अपात्र नहीं किया तो आखिर भाई इतने महीने तक इसको लटका के क्यों रखा? और अगर सुप्रीम कोर्ट ने ये जजमेंट दिया था कि गलती हुई है, गलत हुआ है, तो आखिर वो गलत कौन था? ये सारे जो बातें हैं ये अब 2000 पर सबसे बड़ी बात ये बनती है भरत सिंह जी, सबसे बड़ी बात ये बनती है जो सुप्रीम कोर्ट का डायरेक्शन था, सुप्रीम कोर्ट के ऑर्डर में नहीं है, लेकिन सुप्रीम कोर्ट की जो आर्ग्यूमेंट थी उसमें यह था, ऑर्डर तो सिर्फ यही था कि भाई इसको स्पीकर साहब देखेंगे, लेकिन उनकी जो पूरा डिस्कशन है उसमें यह था कि पार्टी इज सुप्रीम, नॉट लेजिस्लेटिव पार्टी, द पार्टी इज सुप्रीम, सो विच इज द शिवसेना पार्टी? लेजिस्लेटिव पार्टी जो एमएलए हैं, चलो वो तो आपके साथ हैं, वो तो शिंदे साहब के साथ हैं गए, लेकिन जो शिवसेना पार्टी है वो किसके साथ है ये तय करना था स्पीकर साहब को, लेकिन स्पीकर साहब ने सिर्फ और सिर्फ एमएलए को लेकर के अपना फैसला दिया है। तो अब जब उद्धव ठाकरे जी सुप्रीम कोर्ट में जाएंगे, अब जा चुके हैं, तो वो उनको शायद याद दिलवाएंगे कि साहब सुप्रीम कोर्ट ने ये कहा था, क्या अभी भी आप लोग अपने फैसले पे कायम हैं या नहीं? प्रदीप जी, बट एकनाथ शिंदे जी कोर्ट जा रहे हैं, अब सुने नहीं भरत सिंह जी, बोले कि उनको अपात्र क्यों नहीं किया, स्पीकर दबाव में आ गए, स्पीकर दबाव में आके पूरे 14 लोगों को आपने ये नहीं कर दिया है, तो मैं एकनाथ शिंदे जी बोले कि मैं सुप्रीम कोर्ट जा रहा हूँ, स्पीकर दबाव में आकर उनको अपात्र नहीं किया जो आप कह रहे हैं, तो ये सब चल रहा है, हम सब देख रहे हैं, आप भी देख रहे हैं। तो स्पीकर साहब को प्याज भी खाने पड़ गए और बाकी सब भी चीजें खानी पड़ गई। वाह जी वाह, बल्ले बल्ले। भरत सिंह जी बहुत बहुत धन्यवाद आपका हम लोगों से बात करने के लिए, बहुत बहुत शुक्रिया आपका, ऑलवेज अ प्लेजर टॉकिंग टू यू सर, जय सियाराम, मंगल भवन मंगल हारी, रघुवंश सुदशरथ अजर बिहारी, जय सियाराम, आपने कहा वही जय सियाराम ही रहेगा, जय श्री राम नहीं हो सकता सर। हम तो बचपन से राम राम कहते हैं या जय सियाराम कहते हैं, क्योंकि राम राम सिया बिना अधूरे है और सिया जो है वो राम बिना अधूरे है, जय श्रीराम नहीं मिलेंगे, जय सियाराम, सियाराम हो सकता है। ये भी आपको बता दूं भरत सिंह जी, अपने दर्शकों को भी बता दूं, बाय द वे, एंड आई एम श्योर मिस्टर भरत सिंह विल बी द फर्स्ट टू अप्रिशिएट दिस, वो खुद अप्रिशिएट करेंगे, नरेंद्र मोदी जी कभी जय श्री राम नहीं बोलते, हमेशा जय सियाराम ही बोलते। नमस्कार सर। नमस्कार नमस्कार। Well, I hope the Congress gets its act together. Now, what he has said about the Shankaracharyas makes a lot of sense. Why aren't they going? All four are not going for whatever reasons. They support it. The Sringeri Shankaracharyas supported it. The others have supported it. And there are two who have said that, hey, listen, we're not happy with this, but we would like it to be conducted with dignity, and so on and so forth. So why aren't they there? I am reasonably certain a lot of talks will be going on to get them there. So, because that could be a negative point against the BJP. I think they've got the support of the majority of the people. They all believe that after 550 years, which they say, and something celestial event just as I said, over. It's an event that nobody, Pradeep ji, Pradeep history Pradeep. Of Indian democracy or whatever you call it. Pradeep ji, as I've been saying, yes, the only way out for the India Alliance, and I call it the India Alliance, not the India Alliance. India Alliance is, ek baar pran pratishtha puja hone dijiye,
उसके बाद बारी बारी से जब तक चुनाव नहीं होते इंडिया अलायंस के हर नेता को दर्शन करने के लिए अयोध्या जाना चाहिए, मुझे ऐसा लगता है। एग्जैक्टली सर, मुझे ऐसा लगता है। इफ दे रियली वांट टू गेट आउट ऑफ दिस, इफ दे रियली वांट टू डिस्ट्रॉय दिस एलिगेशन दैट दे आर एंटी सनातन, तो खुद को जाना चाहिए। सबसे पहले तो मुझे ऐसा लगता है एमके स्टालिन साहब और उदयनिधि स्टालिन साहब को जाना चाहिए एक बार, अगर वो वहां पर चले जाए, और सीताराम येचुरी जी भी जाए, आखिरकार उनके नाम में ही सीताराम है। No, you can't work against the sentiments of the majority community. No, you can't. You can't. Especially on this particular occasion. Sir, not on a religious basis. Yes, and especially this is a very special event, something that is happening in years. You can say, yugo yugo se aise koi cheez hone wala hai in the history of Bharat, India, democratic India, independent India, and before that. If something like this is happening, and if you want to stay out of it, you are taking a big political risk. And now to come to a